हाय एवरीवन वेलकम टू करंट क्रंच तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टेलकॉट पर्सन का लास्ट टॉपिक इज पैटर्न वेरिएबल्स आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया हो नहीं हुआ तो वीडियोस वहीं पे पर जितनी बार आप चाहें उनको देख सकते हैं तो स्टार्ट करें इससे पहले डू गिव अ थम्स अप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ कॉमेंट्स में बताएं आपको क्या अच्छा लगता है या क्या अच्छा नहीं लगा और इफ़ यू वांट मी टू मेक अनदर वीडियो किसी भी टॉपिक पे तो वो टॉपिक्स भी मेंशन करें मैं वो भी लाने की कोशिश करूंगी तो बेसिकली एक्टिव रहें ठीक है और पढ़ाई करते रहें साथ साथ में लेट स्टार्ट आज का टॉपिक है हमारा पैटर्न वेरिएबल्स पहले आई एक्सप्लेन यू देन वील गो थ्रू द बुक देखो पैटर्न वेरिएबल्स क्या होता है आपको पता है ने रोल की काफी बात की थी, अपने सोशल सिस्टम में ठीक है रोल इंटरक्शन तो रोल्स आपको यहाँ पे याद रखना है इस टॉपिक में जरूरी रोल आपको नाम मैंशन भी करना है जब आप पैटर्न वेरिएबल्स पे कोई भी आंसर अटेप्ट करेंगे तो जब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं कोई भी हम चाहे एक्शन परफॉर्म करें तो जिस भी रोल जो है वो वाइटल वाइटल एलिमेंट है हमारे सोशल सिस्टम का ये हमें पता है तो जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्शन काफ़ी चांसेस हैं कि वो उसमें एक स्ट्रेन जनरेट होगा या कोई टेंशन डेवलप होगी उस रोल में वो कैसे होगी उसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फॉर एग्जांपल हम एक वर्किंग लेडी की बात करते हैं ठीक है वो वर्किंग लेडी है नाइन टू फाइव या नाइन टू सेवन की जॉब करती है साथ में वो एक न्यू मदर भी है स्पेशली न्यू मदर ठीक है तो न्यू मदर को न्यू मदर हैज़ टू टेंड टू हर बेबी ट्वेंटी फ़ोर इंटू सेवन ठीक है तो यहाँ पे वो फुल टाइम जॉब पे है ट्वेंटी फोर सेवन और यहाँ पे नाइन टू सेवन तो यहाँ पे जब रोल्स परफॉर्म करेंगी एज ए वर्किंग लेडी क्योंकि उनको टारगेट्स भी मीट करने हैं अपनी कंपनी जो काम देती है वो काम भी टाइम पे करना है और साथ में उनको मदर की जो ड्यूटी है वो भी पूरी करनी है जो मदर को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मदर की प्रेजेंस बेबी के लिए स्टार्टिंग इनिशियल ईयर्स के लिए स्पेशली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये जब वो रोल परफॉर्म करेंगी इसमें एक स्ट्रेन डेवलप होगा ठीक है तो एक डिलेमा फेस कर रही है वो कि मैं अब क्या करूं काम पे ध्यान दूं कि अपना ये मदरहुड तो मैं क्या सोल्यूशन निकालू तो ये एक डिलेमा बेसिकली फेस कर रही है तो इस डिलेमा को उन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा हर डिलेमा जो आप फेस करोगे उसके आपको दो अल्टरनेट ऑप्शंस मिलेंगे उसके जवाब में उसके सोल्यूशन में जो आपको सोशल सिस्टम से मिलता है ठीक है तो वो जो चॉइसेस हैं जो आपको अल्टरनेट वेरिएबल्स में मिलती हैं वाइल्ड परफॉर्मिंग रोल्स कि आप कौन सी वाली चॉइस की तरफ जाओगे कि अगर आप कलेक्टिविटी मतलब ये सोचोगे कि नहीं मुझे अपने बच्चे के लिए ही सोचना है आप मदर का रोल पे ज्यादा फोकस करोगे या आप सेल्फ ओरिएंटेड होगे कि नहीं आपको अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना है आप वर्किंग लेडी जो हो अपने जॉब की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे क्या आप सेल्फ ओरिएंटेड हो या कलेक्टिव ओरिएंटेड हो ठीक है तो ऐसे टाइप के आपको बहुत सारे वेरिएबल्स मिलेंगे वाइल्ड परफॉर्मिंग रोल्स उनको इन्होंने क्या कहा उनको हम कहते हैं पैटर्न वेरिएबल्स ठीक है तो ये था इसका थोड़ा स्टार्टिंग अब हम देखते हैं इन मोर जनरल टर्म्स इनको टाइप्स ऑफ ऑरिएटेशन बोलते हैं अगर आप पुराने लेक्चर रिकॉल करो मैंने आपको कहा दो टाइप के ऑरिएंटेशन मोटिवेशनल ऑरिएटेशन या वैल्यू ओरिएटेशन कोई भी एक्शन करने के पीछे दे आर हमारा कोई भी एक्ट जो होता है दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू टाइप्स ऑफ ऑरिएटेशन अगर आप मोटिवेशनल ऑरिएटेशन से इन्फ्लुएंस्ड uh, हो दैट मीन्स अ पर्सनल कंडीशन ऑफ द एक्टर तो आप अपने बारे में पहले सोचोगे अगर आप वैल्यू ओरिएंटेशन से हो ज्यादा इन्फ्लुएंस तो आप नॉर्म्स वैल्यूज सोसाइटी की जो है बिलीव्स उन पे ज़्यादा ध्यान दोगे ठीक है तो आप इनको जनरल टर्म्स में टाइप्स ऑफ ऑरियंटेशन भी बोल सकते हो कि क्या आप पर्सनल कंडीशन पे ध्यान दे रहे हो या नॉर्म्स एंड वैल्यूज पे इनके बीच में आप कौन सा वाला वेरिएबल चूज कर रहे हो पार्सन ने डिफाइन किया इन फंडामेंटल डिलेमास को दैट एक्टर्स एनी फेस In any situation, इन एनी सिचुएशन उनको पास ने डिटेल में कहा ठीक है पैटर्न वेरिएबल सिंपली है पुट है आदि चॉइसिस बिटवीन दिस ऑल्टरनेट वेरिएबल्स वाइल परफॉर्मिंग द रोल्स अकॉर्डिंग टू तो हिम एक्शन सिस्टम इन सोसाइटी एग्जिट इन द फॉर्म ऑफ रोल्स ठीक है हमें पता है रोल कितना इंपॉर्टेंट है आप याद करो जब मैंने आपको कुछ सी एस पी ओ पढ़ाया था तो इसमें मैंने कहा था लैंग्वेज मॉटर्स वगैरह पर्सनैलिटी में फोकस किस पे होता है इंडिविजुअल पे सोशल सिस्टम में किस पे फोकस होता है रोल इंटरेक्शन पे कि आप आपका क्या रोल है आप कैसे बिहेव कर रहे हो इफ योर ए टीचर तो आप अकॉर्डिंगली अपने रोल के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो कि नहीं ठीक है और वो जो रोल होगा आपका उसमें एक जनरल कंसेंसस होता है एक वैल्यू कंसेंसस होता है सारे उस रोल पे अग्री करने चाहिए तभी आपका सिस्टम सर्वाइव करेगा ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस हो गई अब जहाँ भी पर्सनस के इसमें रोल्स आता है आई होप आपको क्लियर होगा कि वो रोल्स बेसिकली क्या क्या रहा है अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो पुराने वीडियोज़ पहले ज़रूर देखें जो पार्सन का आइडिया है पैटर्न वेरिएबल्स का लिंक है उनके आइडिया ऑफ सोशल एक्शन से इंस्पायर्ड फ्रॉम वेबर वेबरिन आइडिया ऑफ आइडियल टाइप्स ठीक है पैटर्न वेरिएबल्स जो है कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन पार्सन इन आइडिया ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम बेसिकली आप एक्ट परफॉर्म कर रहे हो और सोशल सिस्टम में आप क्या कर रहे हो रोल इंटरेक्शन पे ध्यान दे रहे हो रोल इंटरेक्शन करते टाइम आपको कोई सिचुएशन आती हैं जिनमें आप डिलेमा फेस करते हो ठीक है और वो डिलेमा का बाद में आप एक सोल्यूशन निकालते हो अपने सोशल सिस्टम से दैट मीन्स क्या आप किस चीज पे ध्यान दोगे मोटिवेशनल ओरिएंटेशन पे या वैल्यू ओरिएंटेशन पे ठीक है ये हो गया वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है तो इन्होंने ब्रिज किया गया कि आप एक्शन सोशल सिस्टम ठीक है बार बार इसी सेंटेंस को रिपीट किया जा रहा है इट वॉज द रिजल्ट ऑफ इस कमिटमेंट टू डेवलप ए सेट ऑफ कॉन्सेप्ट जो रिफ्लेक्ट करिएगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑल एक्शन सिस्टम्स ठीक है तो बेसिकली आपको ये आइडियल टाइप भी बोला गया है तो आपको एक रेडीमेड फ्रेमवर्क है जो आपको कोई भी अगर आप एक्शन कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी का एक फ्रेमवर्क तैयार है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो आप अपने पर ध्यान दे रहे हो या आप सेल्फ पर ध्यान दे रहे हो या आप कलेक्टिविटी पर ध्यान दे रहे हो ये जो फ्रेमवर्क क्या है ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसके टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे ठीक है तो जो एक्शन पैटर्न वेरिएबल्स है ये कैटेगराइज करता है मोड्स ऑफ ऑरियंटेशन को इन पर्सनैलिटी सिस्टम वैल्यू पैटर्न ऑफ कल्चरल सिस्टम या नामिटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम अगेन वो सी का याद करो सी तो जो आपका कोई भी एक्शन है या वो कल्चर से इन्फ्लूंसड है आपकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंसड है या सोशल सिस्टम दैट मीन्स आप सिर्फ रोल इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस है ठीक है तो आप क्या चूज़ करते हो वो सारा कहाँ से आता है आपका सोल्यूशन जो इन डेलेमास का है वो आपके सोशल सिस्टम से आता है वो सोशल सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम लेवल्स हैं जो आपको आपकी सोसाइटी ने आपके अंदर इनग्रेन की हुई है और अकॉर्डिंगली आप अपना जो सोल्यूशन है या अपना जो चॉइस है वो सिलेक्ट करते हो ठीक uh, है दस दे रिप्रेजेंट ब्रॉड फ्रेमवर्क जो पैटर्न वेरिएबल्स हैं जो हेल्प करने हेल्प करते हैं कैटेगराइज करने में ऑफ डाइकोटोमीज ऑफ पर्सनैलिटी सिस्टम या आपके नॉर्म्स एंड वैल्यूज तो जो भी आप चूज करते हो या तो वो आपके कल्चर से आता है नॉर्म्स वैल्यू से आता है जो भी रोल आप चूज कर रहे हो या आपकी पर्सनलिटी सिस्टम से आता है दैट मीन इसमें फोकस आपका अपना इंडिविजुअल खुद का होगा ठीक है तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है पैटर्न वेरिएबल्स की आगे देखते हैं जो पैटर्न ये है रिजोल्व होती है रोल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड रोल इंटरनलाइजेशन से रोल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन दैट मीन जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज सोसाइटी ने आपके अंदर डाले हैं वो रोल्स जो उन एंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग है ठीक है और रोल इंटरनालाइजेशन जो खुद आपने अंदर जो इम्बाइब किया है अपना रोल अगर हम दोबारा वर्किंग मदर और मदर uh, और वर्किंग लेडी की एग्जांपल लें अगर आप मदर चूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें इसका रोल भी ज्यादा होगा रोल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का क्योंकि सोसाइटी एक मदर को एज ए वर्किंग लेडी देखना ज़्यादा पसंद नहीं करेगी अपने बच्चे के साथ ही पसंद करेगी देखना अगर आपने काम को इतना इंटरनालाइज किया हुआ है उस रोल को तो आपका ये वाला कॉम्पोनेंट ज्यादा है रोल इंटरनालाइजेशन तो आप कौन सा रोल चूज करते हो वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है आपके रोल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन

और इन अदर वर्ड्स दिस पैटर्न वेरिएबल्स स्ट्रक्चर एनी सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन कि अगर आप कोई भी सोशल सिस्टम ले लो ठीक है वो कैटेगराइज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन से ये चीज़ आपको विल कम बैक टू दिस जब मैं पहले आपको ये बताऊँगी हमें सारा एक्सप्लेन करेंगे ये इसके टाइप्स उसके बाद हम देखते हैं अगर हम कोई भी सोशल सिस्टम फॉर एग्जाम्पल फैमिली एज ए सोशल सिस्टम लेते हैं तो वो कौन से वाले सोल्यूशन देगा आपको तो फिर आपको समझ में आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन कैसे सोशल सिस्टम कैसे कैरेक्टराइज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन से ठीक है तो अभी डोंट गेट कंफ्यूज इसीलिए मैं जान के पैरा जो है वो स्किप कर रही थी अकॉर्डिंग टू पर्सन ये जो डाइकोटोम वेरिएबल्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं फाइव पेयर्स में पहला हो गया सेल्फ ऑरिएटेशन वर्सेज कलेक्टिव ऑरिएटेशन देखो अगर आपका सेल्फ ग्रेटिफिकेशन पर आपका ध्यान ज्यादा होगा कि आपको अपनी मर्जी ज्यादा करनी है आपकी इंडिविजुअुअल पर्स्पेक्टिव आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कलेक्टिव ऑरिएटेशन आप कलेक्टिव गुड वाली चीजें देखोगे आप कलेक्टिविटी के बारे में सोचोगे ये वैसा डेलिमा है ठीक है इट रेफर्स द डिलेमा बिटवीन द फुलफिलमेंट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट और कलेक्टिव इंटरेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर सोशलिस्ट कंट्रीज को आप लो जैसे मार्क्स ने सोशलिस्ट कंट्रीज का फंडा क्या कहा था दे शुड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी बट दिल गेट अकॉर्डिंग टू देयर तीन नीड दैट मीन्स यहाँ पे कलेक्टिव गुड की बात हुई थी तो अगर वो डिलेमा उन सोसाइटीज़ में फेस होगा तो वो कलेक्टिव ओरिएंटेशन में उसका सोल्यूशन होगा इफेक्टिविटी वर्सेज इफेक्टिव न्यूट्रेलिटी ये डिलेमा है इमोशनल अटैचमेंट एंड इमोशनल डिटैचमेंट का किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में इसकी बेस्ट एग्जांपल है अगर आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस तो उसमें आपको याद होगा वो आ, उस डॉक्टर का क्या नाम था डॉक्टर अस्थाना किस्थाना ऐसा समथिंग वो कहता है कि अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूंगा तो मेरा हाथ कांपेगा लेकिन अगर मैं किसी जनरल पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा तो मैं नॉर्मल रहता हूँ मैं न्यूट्रल रहता हूँ ठीक है तो इसीलिए मैं पेशेंट्स के साथ वो तो बॉन्ड डेवलप नहीं करता जो एक काफ़ी सही बात है और यहाँ पे एक एग्जाम्पल में परफेक्ट फिट बैठती है कि एक डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन है वो इफेक्टिव न्यूट्रलिटी पे बेस्ड होगा अगर डॉक्टर कोई भी ऐसा डिलेमा फेस करेगा उसका सोल्यूशन इफेक्टिव न्यूट्रलिटी में होगा कि उसको उस टाइम पे न्यूट्रल रहना है अदरवाइज कोई डॉक्टर ऐसे किसी का अगर अपना बच्चा बीमार हो और वो पीडियाट्रिशियन हो उसके लिए पीडियाट्रिक सर्जन हो खासकर उसके लिए अपने बच्चे की सर्जरी करना वुड बी द दर्ल्ड मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ठीक है तो इफेक्टिव न्यूट्रलिटी एंड इफेक्टिविटी वैसे काइंड ऑफ डेलिमाज होते हैं जो इमोशन अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट किसी सिचुएशन में डिपेंड होते हैं फिर आगे आपका पर्टिकुलरिज्म इसकी एग्जाम्पल अगर आपका कोई फ्रेंड है बन गया वो आईपीएस ऑफिसर बन गया एसएसपी अब आप बन गए कोई क्रिमिनल <laughs> जो कि आई होप आप ना बनो क्रिमिनल बनके अब उसको आपको अरेस्ट करना है लेकिन वो आपका बेस्ट फ्रेंड है तो अगर वो आप फ्रेंडशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, देता है तो वो एक पर्टिकुलरिस्टिक बिहेवियर पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है अपनी फ्रेंडशिप को अबो एवरी रख रहा है लेकिन अगर वो एक लीगल लॉ और रूल बुक के हिसाब से जाता है और आपको अरेस्ट करता है तो वो यूनिवर्स्टिक प्रिंसिपल पे बिलीव करता है ठीक है तो ये वैसा ये है डेलेमा जो उन सिचुएशंस में आप फेस करते हो तो इट रिफर्स टू डेलेमा रिगार्डिंग दिस

इन चीजों पे जज कर रहे हो या उनकी मेरिट पे जज कर रहे हो जैसे इंडियन सोसाइटी को बोला जाता है स्क्रिप्टिव बेस्ड सोसाइटी ठीक है तो यहाँ पे कास्ट का फैक्टर हाई रहता है जज करने के लिए लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज को बोला जाता है अचीवमेंट बेस्ड सोसाइटीज वहां पे अगर कोई भी ऐसा डिलेमा आएगा उसका सोल्यूशन किस में होगा वो इंसान का मेरिट देखेंगे ठीक है एंड वो स्क्रिप्टिव जो होता है दैट मीनस बेस्ड ऑन बर्थ आप किस घर में पैदा हुए हो आप किस कास्ट लेके पैदा हुए हो उन एट्रीब्यूट पे ज्यादा ध्यान देना फिफ्थ ज योर डिफ्यूज वर्सेज स्पेसिफिसिटी ये डेलेमा है रिगार्डिंग रिलेशन एंड ऑप्लीगेशन अब देखो ये डिफ्यूज वर्सेज अगर आप डॉक्टर पेशेंट का रिलेशन देखो तो उसमें कुछ रिलेशन में कुछ ऑब्लीगेशन है ऑब्लीगेशन इन द सेंस कि काफ़ी स्पेसिफिक रिलेशन है अगर आपके पास पेशेंट आता है और आप डॉक्टर हो आपको क्या जानना है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है घर में कितने लोग रहते हैं ठीक है आ, उनका पॉलिटिकल ओरिएंटेशन क्या है इकोनॉमिक ऑरिएंटेशन क्या है वो सारी चीज़ें डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है काफ़ी स्पेसिफिक सा रिलेशन है आपको डॉक्टर की पेशेंट की तरफ मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए तो वो स्पेसिफिक रिलेशन हो गया डिफ्यूज रिलेशन हो गया अगर आप जैसे किनशिप में हो गया या बेस्ट एग्जाम्पल है हस्बैंड वाइफ का. अब तो इनफैक्ट रिश्ता करने से पहले पॉलिटिकल ऑरिएशन भी देखी जाती हैं कि वो किस पार्टी पे बिलीव करती है या अगर रिलीजन के काफी सारे सेक्ट्स होते हैं तो उस सेक्ट में किस ऑरिए रिलीजियस ऑरिए रिलीजियस आइडियोलॉजी क्या है उनकी तो डिफ्यूज रिलेशन है जिसमें आप काफी डिफ्यूज हो गए जिसमें आप काफी सारी चीजें कंसिडर करते हो और स्पेसिफिक हो गए जिसमें आपकी स्पेसिफिसिटी को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो स्पेसिफिक रिलेशन होता है ठीक है तो वो उतने ज़्यादा डिफ्यूज़ नहीं होते हैं इन एग्जाम्पल दी बायर एंड सेलर रिलेशन मॉडर्न इकोनॉमी में स्पेसिफिक होता है आप जैसे मॉल्स में जाते हो ठीक है वहाँ पे आप जाके आपने कोई शॉपिंग करी आप उनके साथ उनको आपके घर का कुछ नहीं पता होता ज़्यादा बातचीत उनके साथ नहीं होती है जाते हो अपना काम करते हो शॉपिंग करते हो वापस आते हो लेकिन रूरल एरियाज में देख लो वहाँ दुकान पर बैठ के सारे जो ये बैठे होते हैं वहाँ के लोग आसपास वाले जितने सारे बायर्स सेलर्स होते हैं बायर्स होते हैं वो दुकानों में बैठे होते हैं और अपने घर की बातें दुकानदार से भी घर की बातें चीत, बातचीत वगैरह फिर पॉलिटिक्स वहाँ डिस्कस होती है चाय पे चर्चा काइंड तो वो रिलेशन अगर रूरल एरियाज में देखें वो डिफ्यूज होता है लेकिन अगर मॉडर्न इकोनमी में देखो आप मॉल में जाओ शॉपिंग करो वापस आओ तो काफ़ी स्पेसिफिक रिलेशन है तो ये भी आप एग्जाम्पल इसमें ले सकते हो ठीक है

फैमिली को हम एज ए सोशल सिस्टम ट्रीट करें ठीक है तो फैमिली अगर कोई भी डेलीमा फेस करेगी फैमिली में कौन सा फैक्टर है होगा सेल्फ या करेक्टिव करेक्टिव ओरिएंटेशन कलेक्टिव सॉरी ओरिएंटेशन इफेक्टिविटी या इफेक्टिव न्यूट्रलिटी इफेक्टिविटी ठीक है पर्टिकुलरिज्म और यूनिवर्सलिज्म पर्टिकुलरिज्म एस्क्रिप्शन और अचीवमेंट एस्क्रिप्शन डिफ्यूजनेस और स्पेसिफिसिटी Diffuseness. तो इन, आ, के आप किसी भी का जो है कैरेक्टराइज कर सकते हो ठीक है तो इन, इन अदर वर्ड्सन वेरिएबल स्ट्रक्चर को का डिटरमिन करते हैं उनका सिस्टम ऑफ इंटरैक्शन क्या रहेगा फाइन इस तो पैराग्राफ में यही सारी चीजें लिखी है फैमिली आ, जो सोशल सिस्टम है वो अगर डेली ऐसा फेस करेगा तो वो क्या क्या चीज को चूज करेगा इसमें इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर ए कॉन्सेप्ट लाइक जेमिन शार्ट अब देखो जेमिन शार्ट एंड जैसल शाफ्ट जो है ये फर्डिन एंड टोनीस के कॉन्सेप्ट है जेमिन शाफ्ट हो गया आपका जो कम्युनिटी uh, बेस्ड हो गया ठीक है समझो कॉन्सेप्ट नेट कम्युनिटी जो फॉलो करेगी वो वाला कॉन्सेप्ट जैसे फैमिली हो गया आपकी और जैसल शाफ्ट हो गया जैसे आपकी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है वो जो चीजें फॉलो करेंगी वो उसका इनके कलेक्टिव नाम दिया था जैसल शाफ्ट करके तो आपका वर्क प्लेस आ गया जैसल शाफ्ट या आपका फैमिली या क्लोज नेट कम्युनिटी आ गया आपका जेमिन शार्ट ज गाइडेड बाई सोशल सिस्टम ये आप किस आपके जो भी आपने चॉइस किया है वो कहीं ना कहीं आपके कल्चर का, पर आपकी पर्सनैलिटी पर डिपेंड करेगा और वो चीजें कहाँ से आएंगी सोशल सिस्टम से आपके गाइडेड बाई ये सोशल सिस्टम अगर हम इसको कंप्लीटली सोशल सिस्टम ट्रीट करें सी एस पी ओ ये आपका एक सोशल सिस्टम है जिसमें सोशल सिस्टम अलग से इसका सब सिस्टम भी है इसको एज अ होल भी आप एक सिस्टम ट्रीट कर सकते हो ना तो इस होल जो आपका सोशल एक्शन है उसको कौन गाइड कर रहा है ये होल आपका सोशल सिस्टम फाइन तो फर्दर उनका जो आइडिया है ऑफ हिज बेसिस फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ हिज आइडिया वेरिएबल्स उनने आइडेंटिफाई किए थे चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ दोशल सिस्टम वो क्या टाइप्स है यूनिवर्स्टिक अचीवमेंट पैटर्न ये होगी आपकी मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी यूनिवर्सल वैल्यूज भी हैं दैट मीन्स पर्टिकुलरस्टिक नहीं है अगर इंडिया की बात करो तो वो पर्टिकुलरस्टिक आ गई और अचीवमेंट दैट मीन्स मेरिट बेस्ड सोसाइटी तो इसके लिए आपकी एग्जांपल होगी मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्शन बेस्ड सोसाइटी दो वो लॉज वगैरह फॉलो करेंगे लेकिन यहाँ पे वो एस्क्रिप्शन पे बात मतलब बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ बेस्ड ऑन बर्थ इस चीज को इंपॉर्टेंस देंगे फॉर एग्जाम्पल नाजी जर्मनी ऑल दो वो रैशनल थे वो काम करते थे ठीक है वो रैशनली काम करते थे वो वेल ऑर्गेनाइज आर्मी थी उनकी नाजी जर्मनी की लेकिन उनमें सुपीरियॉरिटी और इन्फीरियोरिटी किस पे बेस था बेसिज ऑन दी बर्थ क्योंकि वो खुद को क्या समझते थे वी आर द सुपीरियर रेस ठीक है पर्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न इसको क्लासिकल चाइनीज एग्जाम्पल फैमिली जो है इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जहाँ पे पर्टिकुलरिस्टिक फैमिली है दैट मीन यूनिवर्सलिस्टिक नहीं है फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है फैमिली की ऑब्लिगेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है लेकिन जो रॉयल ब्लडेड मेंबर्स हैं किंग्स की फैमिली है दे हैड टू प्रूव देयर वर्थ वाय इंडिविजुअल अचीवमेंट्स ठीक है अगर पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव यहाँ पे नहीं आएगा पर्टिकुलरस्टिक अचीवमेंट यहाँ पे आएगा अगर एस्क्रिप्टिव आना होता तो रॉयल ब्लड जो होते हैं उनको खुद को प्रूव नहीं करना पड़ता लेकिन रॉयल ब्लड को फर्दर आगे अपना वो किंगशिप लेने के लिए अपनी इंडिविजुअल अचीवमेंट्स पे डिपेंड करना पड़ता है तो दो वो रॉयल्टी खत्म नहीं हो गई है किंगशिप को माना जाता है दैट मीन्स पर्टिकुलरिस्टिक है लेकिन आगे कंटिन्यू करने के लिए अपनी अचीवमेंट्स को प्रूव करना होगा पर्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्शन हो गया आपका इंडिया का कास्ट सिस्टम ये बेस्ट एग्जाम्पल है पर्टिकुलरस्टिक हमें पता है हमारी फैमिली पर्टिकुलरिस्टिक्स है पर्टिकुलरस्टिक फैमिली है फैमिली ऑब्लिगेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन बर्थ अभी भी काफी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है ठीक तो ये इन्होंने अपने इस चीज़ के बेसिस पे पैटर्न वेरिएबल के आइडिया के बेसिस पे चार टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर दिए थे सोशल सिस्टम्स के क्योंकि सिग्निफिकेंस ऑफ पैटर्न वेरिएबल लाई इन द फैक्ट दैट दे हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन टाइप्स ऑफ सोसाइटीज हमें पता देखो अभी हमने कितनी टाइप की बताई नाजी जर्मनी मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी क्लासिकल चाइनीज इंडियन कास्ट सिस्टम ठीक है तो ये हमें हेल्प करता है वो डिटर्मिन करने के लिए टाइप ऑफ सोसाइटीज़ और इंडिकेट करता है कोई भी सोसाइटी एब्सोटली स्टार्टिक और एब्सल्यूटली डायनेमिक नहीं है कंप्लीटली स्टार्टिक नहीं है क्योंकि इंडिया भी चेंज हो रही है और बिल्कुल डायनामिक नहीं है कि बस चेंज होती रहे चेंज होती रहे कहीं ना कहीं अभी भी ये चीजें फॉलो हो रही हैं तो सिग्निफिकेंस इज नॉट लिमिटेड टू सेटिंग रोल एक्सपेक्टेशन इन सोसाइटी बट दे इन एडिशन प्रोवाइड द ओवरऑल डायरेक्शन इन विच मोस्ट ऑफ द मेंबर्स चूज देयर रोल्स तो आपको एक आइडियल टाइप आपके सामने है और आप देख सकते हो अब दुनिया की कोई कोई भी सोशल सिस्टम या कोई भी चलो फैमिली का ही एग्जाम्पल ले ले कोई भी फैमिली वो किस टाइप की फैमिली है क्योंकि ये काइंड ऑफ फ्रेमवर्क आपके पास रेडी है आपको चूज करना है सिर्फ अब ये हो गया एक पॉजिटिव आपका ये कंक्लूजन uh, जो आपको याद रखना है हर आंसर में लिख के आना है पॉजिटिव कंक्लूजन पार्सन ने इंट्रोड्यूस किया सिस्टमैटिक आउटलुक इन द डिसिप्लिन ऑफ सोशोलॉजी इंट्रोड्यूस की सोफिस्टिकेटेड टर्मिनोलॉजी देखो कितने सारे यहाँ पे हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है इसमें उसकी लेगेसी वो कैरी फॉरवर्ड बाय मार्टन मर्टन ठीक है जो हम आगे देखेंगे मर्टन को डिस्पाइट फ्रीक्वेंट क्रिटिसिज्म उनकी जो तो ये सारे इनकी पॉजिटिविटी हो गई एक पॉजिटिव कंक्लूजन हो गया तो दिस कंप्लीट्स योर टेल कॉट पार्सन ऑल्सो आई होप ये क्लियर हो गया है दोबारा वीडियो देखिए अगर एक बार में समझ में नहीं आता है नेक्स्ट हम करेंगे मर्टन लेट्स मर्टन नेक्स्ट uh, वीडियो में करेंगे बट मैं आपको दिखाती हूँ मर्टन का कितना हमें कॉन्सेप्ट करना है मिडिल रेंज थ्योरी स्ट्रेन थ्योरी एंड आई थिंक दैट्स इट और इनका एनोमी का रेफरेंस ग्रुप खत्म उसके बाद आपको मीड करना है जी एच मीड ये सेल्फ आइडेंटिटी इनके आई गेस एक सेल्फ आई एंड मी होगा शायद अब ये आई एंड मी एंड दैट्स इट ये दिस विल कम्प्लीट योर फोर्थ चैप्टर दैट मीन्स अब हमारे सिर्फ दो थिंकर्स बचते हैं जिनके हमें ज्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ने हैं फाइन तो जब तक मैं नया वीडियो अपलोड करती हूँ बाय टेक यू हैव अ ग्रेट डे एंड डू सपोर्ट माई चैनल बाय